अच्छा बाबूजी, सुरेश चंद्र यादव और साथियों के तरफ से एक सामाजिक चित्रण जो उन्हें बिरहा का नाम बा संगठन बाबा, एकता में वो ताकत है, बिना एकता के न देश चलता है, न प्रदेश चलता है, न परिवार चलता है। भूमिका के लाइन में कवि जी के संकेत बा मास्टर, सजा संगठन से अरे फूलवन सजई से सजावे पखुड़िया, बन जाल फौज जब जुटे दस्त मनई, साथ बिन उठे नाही बोझ भर लकड़िया, कैठे कहानी सुने के मिलल बा रहल में लकई सन गजब पांडवन में, इतना बबल एकता में ये बाबू, सेना सजल राम जी के बबन में, तमाम प्रमाण मिलता है, चाहे राम की सेना रही हो चाहे पांडवों की विजय रही हो। एक गजल का नमूना पेश बा संकेत बा गजल का मास्टर का, के परीशा हो के परीशा हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, गजल का नमूना हो। कवि जी का ओरिजिनल लाइन बतावत बाका, विपत्ति विपत्ति जा नहीं सकती कुमत जब बास करती है, लखूं जतन कुल का नाश करती है, नाश करती है, कहानी का रूप रेखा दिखल गई। कवि के नजब के अंदर संकेत बा, कुमति सुमति दोनों आपस में रगरा कैलिन, कुमति सुमति दोनों आपस में रगरा कैलिन, बड़ी बने में दोनों एक दिन झगड़ा कैलिन, सुमति कहे कि सुमति कहे कि हम तो बिगड़ल घर बनाईला, सुमति कहे कि हम तो बिगड़ल घर बनाईला, कुमति कहे कि हम तो बनल घर बिगाड़ीला, बिचवई लक्ष्मी जी पढ़ के समझावेली, बिचवई लक्ष्मी जी पढ़ के समझावेली, फैसला ऐसे ना हो युक्ति बतावेली, एक परिवार में चल के अमीरी देला, एक परिवार में चल के अमीरी देला,
कुमतिया सुमतिया दोनों सगे बहिन और दोनों में बड़ा प्रेम रहल, लेकिन एक दिन दोनों झगड़ा कैलिन। अच्छा तो झगड़ा तो ठीक है, लेकिन रगड़ा निक साज सवेरे रगड़ा शुरू कैलिन माता लक्ष्मी के नागवार लगल। प्रगट बैलिन कहे कारे इकेशन दोनों जोटा ऊपर हुवल कैले हो। सुमतिया कहा था कि बड़ी बने चाहा था, कुमतिया कहला से ना लक्ष्मी ई हमसे बड़ी बने चाहा था। लक्ष्मी जी कहलिन तो ई बतावा दोनों का फैसला हो ई कैसे। हाथ जुड़लिन कहे माता तू ही करा कहे तो हम व्यवस्था देते। क्या व्यवस्था देती है मामा? लक्ष्मी जी व्यवस्था दिलिन गीत बदल गई। जिया जिया राजा ए साधु भैया हमारे मुन्ना मतीन बड़ा दिन से लव चलत रहल। हाँ हो प्यार एक दिन दाव पौले बाबू मामा कलश की रोज खाली है होई का कहलस कुछ हो तो कहता नहीं प्यार से तू लजालू अपना यार से कुछहू तो कहता नहीं प्यार से कहे तू लजालू अपना यार से कहता उठा ली जिंदगी का बोझा गीत का नमूना हो बाबा। लेकिन गाना में कवि जी का भाव बा। लक्ष्मी जी बतावत हीन व्यवस्था देती हैं का दुनहुन के कहा समझाई के सुघरे कयुकोती बताई के एक भाई के गरीब बनावत है एक भाई के अमीर और जौने ओरी गरीबी है ओहर के रही दुनहुन के व्यवस्था चौचके देती का देती दुनहुन के कहा समझाई के सुघरे कयू कोती बताई के देखा करिश्मा चल के देखी तो निहम मनवा में मैं लेके चली भैल दूना हूँ मनवा में मैं लेके जहाँ गरीब हो वहाँ सुमत चल के करिश्मा दिखावा बाबा और जहाँ अमीर हो वहाँ कुमतिया चल के अपन करिश्मा दिखावे तब दहली बसाई बड़े भाई और सुमती के छोटा का पे कुमती चली जाई धन
चली भैली दुनाहू मनवा में मैल के चले भैया बात के समझ ला। बड़े भाई और सुमतिया जाके बाबा ठिया गाड़ दिलस जहाँ की बड़ी गरीबी बा बाबा और छोटे भाई के तरफ कुमतिया पहुंचल हो लक्ष्मी कलिन की चला बड़के के छोट बनावा छोटके के बड़ा बनावा जवन गरीब हो के धनवान बना दा। परीक्षा लक्ष्मी जी ले रही है लक्ष्मी रूप लेकर के सुमतिया बसलो बड़का भैया बड़ा गरीब हो चार लड़का हुवन दादा के वहां की स्थिति क्या है क्या? गीत बदल गई कौन गीत हो मास्टर मंगला भाई हमारे गीत बजौलन है इ गीत कबो पुराने न होई इमे चाहे घुरहू गावा चाहे नी रहू दुलहिन परेशान हो दुल्हा से मेहरारू मर्द से कहत हो कि रोज घूमल आज बड़ा दिन बाद मुलाकात भइल हो यही दिन के इंतजार करत रहली का कहत बा पिया तनिए हरियावा हो पिया तनिए हरियावा हो तू रात गुलजार करना पिया तनिए गुलजार करना शमी के दीदार करना अच्छा जब मरद रही साधु मतीन तो जवाब दे का जवाब दे तई बिजलाल भाई दहे हर दताई काहे जल्दी आइल हऊ हो काहे जल्दी आइल हऊ हो तू और इंतजार करना कहे जल्दी आइल हऊ हो तू थोड़ा इंतजार करना ई नई धुन ना हो एकरे पहले भी धुन चलल लाली कुल वही के नकल के कुल गवैया कहत हुआ कि नई आ गई हो खाई गई लू लंगड़ा या मदाम कही आल दे बुची रही नैकी बा नैकी के नयका कहत हो लगेला जो बनवई पे घाम लेकिन जब उम्र ढलल हो तो प्रेम उतने चटकार हो बहादुर भैया
जब प्रेम चटकार हो तब का कहलस ए गोरिया तोरी गईली बुढ़ौती अरे झूल गई लगलावा के चाम दाम कही आल दे बुची रही झूल गई लगलावा के चाम दाम कही आल दे बुची रही एक ठे उत्तर पे आई ले में अरे मारे लू कोनो पिया के दुल्हन सामने खड़ी आए के सिंगार कैलस सबसे नीक ओके का लगल मारेलू करे जवा में पान हो चांद छाप साट के टिकुलिया मारेलू करे जवा में पान हो तो मौज खातिर गीत के संकेत रहल लेकिन सुमत जाके बड़के भाई ओरी आपन करिश्मा देखावत हो बड़ी गरीबी है क्या स्थिति है वहां की गाछेले गरीबिया के दिन हो जहां वहां पे बसली सुमतिया गाछेली मुश्किल हो गया समय बिताना बीतल भोजनवा के बीन हो जहां वहां पे बसल सुमतिया बीते दिन भोजनवा के बीन रामायण के अंदर बड़ी अनमोल चौपाई मिलती है साधु जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना गरीबी हालात तो है मामा। लेकिन चार बेटवा हुआ चारों अपने आप के हुआ दादा के एहसास न होए दे कि घरे में दाना पानी नहीं है लेकिन दादा क्या नहीं जानते थे मामा। एक दिन लड़कन के समझावत हुआ तरज बदल गई मास्टर दोनों है बा कोनो छिटहिनी बा नौछहर है और जब कोने में पहुले हो दूल्हे राजा के अपने हो वाले के पहुले हो तो आजकल जमाना कहलन कि बड़ा खराब हो लोग लेकिन हम बताई ला कि जमाना हमसे है ना कि हम जमाने से है बिरहा में पर्दा हो यह संस्कृति हो लड़किया लड़कवा से कहे लगल अंगयंग देगिया टूटा ता अंगयंग देगिया टूटा ता मकई के लावा जैसे फूटा ता मकई के लावा जैसे फूटा ता मकई के लावा जैसे फूटा ता दिया के अजो मोरे राजा हो उठा लतनी कोरा में राजा हो
लेकिन कवि जी का भाव, हालात कोई भी हो, कभी इंसान के घबराए के न चाहिए। दुखावा से नहीं घबराइले हो, घर छोड़ भोर चल भाइले हो, नागी घबराइला हो, घर छोड़ भोरे चली भाइला हो, सुमति के सहारे हो, चले जंगल में जतन दीप बारे हो, चले जंगल में जतन दीप बारे हो, चारों बेटवन के लिए आए के सोनू भाई पहुंच गए जंगल में। मामा आजकल लिखा होतन कतनी बुढ़वा पगलायल है, लेकिन दादा के एक संकेत पर सभी बच्चे तत्पर हो जाते हैं। जंगल में पहुंचलन, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठलन, और दादा अपने लड़कन के कहलन का हो, बोले पिता बेटा चूल्हा बनावा, बोले पिता बेटा चूल्हा बनावा, जाके एक जने लकड़ी ले आवा, बोले पिता बेटा चूल्हा बनावा, जाके एक जने लकड़ी ले आवा, जाके एक जने लकड़ी ले आवा, पुत्र एक जने, पुत्र एक जने पानी ले आके मिली जुली के भोजन पकावा, बोले पिता बेटा चूल्हा बनावा, खुद एक जने लकड़ी ले आवा, करे पिता के आदेश का पलनवा हो, हंसी खुशी कर सब कमला हो, बात नहीं टार हो, चल जंगल में जतन दीप बारे हो, एक जने जाए के पानी लिया हुआ, एक जने लकड़ी लिया हुआ, एक जने चूल्हा, मामा आग ले आके भोजन पकावा। वाह, दादा के वचन को इनकार नहीं सके, ये संगठन है, ये सुमति है, मामा ये परस्पर प्रीति है, पारंपरिक विरह के अंदर सामाजिक चित्रण है सबके लिए। बा तब कवि जी का ओरिजिनल लाइन टेरी के लिखे के पड़ल, के रौराठी अपनी आग से जले, रौराठी अपनी आग से जले, अरे तो एक जन कई मोझा मिलके सौ जन का लाठी, अरे हो लाठी, अरे हो लाठी। प्रमाण सहित टेरी का अर्थ सिद्ध कह दे, मामा संगठन में ही ताकत हो। अरे मा, लेकिन एक चीज बा, जले वालन बदे कोनो व्यवस्था नहीं है। मामा चार लाइन चौक में संकेत कभी कबा समझे के पड़ी,
विराह के श्रोता बंधु, कलाकार बंधु, ध्यान दियो, बात एकदम समझ में आई, लेकिन में चीज हा। सुन के बात बुढ़ऊ कै बरस से, बोली एक चिड़ई बानी, सुन के बात बुढ़ऊ कै बरस से, चिड़ई बानी सो पास नहीं कुछ काम पकईबा, का होई लकड़ी पानी, साफ कहे दादा बतिया, बाटू तू बड़े न जानी, सब मिली मरी है तो है पकाई ब, मिल के खाई ब कुल प्राणी। वही चिड़ई रूपी लक्ष्मी दी बर के पेड़ के ऊपर बैठल है, नजारा देखत इन, परीक्षा लेती सुमतिया को, अरे बार। दादा जवन करत हुआ लड़का कुल दौड़ के करत हुआ, ना रह गया लक्ष्मी रूपी चिड़ई से आवाज देलन की अरे बुढ़े, पगला ही गया हुआ, जंगल में मंगल बनावे चलत हुआ, साथ कुछ नहीं पास कुछ नहीं, लड़कन के परेशान कैला, दादा मुस्कियाए लगलन, मामा मुन्ना भाई कलन की अगर तू इतने जानकार हो तू तो भगवान तो है चिड़ई को रूप देतन, हम बताईला बुद्धि बड़ी हो कि भैंस, मामा भैंस हाँ देखे में बड़ी ए भैया, दाना सुन के बात करल की सुना, कवि जी के पापट में संकेत बा, अरे कहे चिड़ैया जानी मारा मोरा जन्म बुढ़ऊ दादा हो, दादा कहलन कि अब अवसर बढ़िया हो, मामा आज अम्बे कै लाठी के मनई तू हो, अरे मां चार लड़का हो मारब तू है, मामा व्यवस्था जब देलन भगवान ते ऐसन देलन, और मार के कुल लकड़ी पानी चूल्हा आग फिट है ये हो, मामा एम भूज के खा ले, हमने को मिला शाकाहारी ना है, चिड़ैया घबराए लगल, अरे मां हाँ ये हम ही को छोड़ के, मामा अच्छा मुन्ना भी हुआ लेकिन ये वाला चला ला, अच्छा जेकर जहाँ चले चलावत लेकिन बच बचाई के, हाँ कौनो चीज पे आसक्त मत होवा, अरे मां आसक्त भइलो आत गइले, हाँ लिखलन ड्राइवर भाई लोग ट्रकिया के पिछवा की सटला त गइला बेटा, बहुत आसक्त मत होवा, मजा लेके छोड़ दा, का कहला चिड़ैया, कहे चिड़ैया अरे जरी मारा मोरा जनावा बुढ़ऊ दादा हो, और जान के बदले ले लेता भोजनावा बुढ़ऊ दादा हो, लक्ष्मी रूपी चिड़ई है,
दादा के कहलिन है बा ताकत बा सोपत मामा बा संगठन। अरे बा यही पेड़ के जड़ के नीचे कहा छिपल भाग का मोती हो और सुमति लक्ष्मी के पाके मन ही मन हरसित होती हो। यही पड़वा के नीचवा कुल हो धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती मामा सतनत पतनत तुहार खाई के आजाद रही है। हम जिन मारा दादा दादा समझ गई लन तुह न मारब अब तू जा सकेलू। लड़िकन के आदेश कैलन वही बरगद के पेड़ के नीचे तमाम हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी पैसा कौड़ी मिलल है। लद्दाख के गाड़ी घरे चलल है। पड़ोसी जौन भाई हो छोटका फूटी आँख से नहीं देखे चाहत रहल जब देखलस कि बा भैया हमारे वो तो सोना चांदी लदवाई के जाए कह भैया नमस्कार सुना पड़ोसी। अरे सुना पड़ोसी लोभ समाया मनावा बुढ़ऊ दादा हो मगर कुमतिया माने ना कहनावा बुढ़ऊ दादा हो। सज्जन तो सज्जन होता है द्वेष करने वाले अवसरवादी होते हैं। अरे आज झुकलन भैया कहां से कुल्ली आईला हा सच्चाई बता दे। रात के चार लड़का हो रो हुआ बड़मनई भैया के चरहुन के रतिये से सहेजत हुआ कि इंकुआ पिंकुआ टिंकुआ मिंकुआ जल्दी से खाए के सुता कुल मिला। कहे बाबू आज जल्दी से सुतावत हो का बात है रे छोटका कहा तो बुढ़वा पगलायल और खा पी के सुतलन सवेरे तीन साढ़े तीन बजे जगावे लगलन आफत न कह दहलन आंख मूंजत भैया चारों लड़का मारे क्रोध में लाल हुआ। शुरुआत करे खो बेटा जैसे बड़का भैया लिया लो ऐसे हमनो के हीरा सोना चांदी लिहे के हा। अब चारों समझ गिलन की वेकर सच्चो बुद्धि पगला ही गेल हो। अब ये मन मन कहत हुआ जब चार साढ़े चार बजल तब कवि जी के संकेत यहाँ बिरहा के आल्हा में बा अरे उपजा न माया अब उपजा न माया उपा जौले दुनिया में भैया उपजा न माया उपा जौले दुनिया में भैया जौले दुनिया में भैया जबरी सिखा वाले से होला नहीं ज्ञान जबरी से खावाले से होला नहीं ज्ञान जबरी से खावाले से होला नहीं ज्ञान। ए हो अपने से अपना बा राई गाउले से बाबू अपने से अपना हो कवि जी के भाव सबके समझे लाए कबा भोर बयल दादा जगावत हुआ खींच के हर से एक मिला यार यहाँ तो दूसर के जगावा तीसर के यहाँ के लड़के लड़की करे दादा सोचत हुआ हमें करे कहले से वो के कहले से दादा भाई के लेकिन मटियाई गई लन कैसो कैसो मजबूरी बात
हाथ जोड़ के कहलन कि बेटा चल चल। अच्छा तो जगह ही में तो 4:30-5 बजी गए, कैसो कैसो वही बरगद के पेड़ के नीचे आगे आगे खुटियावल भागल जात हो, लड़का पीछे से कोनो बैठ जात हो और कोनो पीछे मुहे देख तो कोनो मन मन कर आवत हो, मर गया हो तो कबाट न हो तब और लागे समझ आवे तब लड़ी कन के दादा जंगल लड़का गरिया में सब मिलके दादा के कह दीना हमारा लसडोला के बेईमान से बोलल बाची रैया कहे बुढ़ऊ बेचारू कहे होला परेशान, अरे लैके कुमती हमें मारी नहीं पैबा और उड़ी गई नी कई के चिरैया महान भला दादा का हालत खराब बा, वही बरगद के पेड़े के नीचे मुड़ लटकाई के हाथ माथे पर रख के मामा बेटा बड़का पहुंचल हो कहे अगर तू मरी गेलो तब बुढ़ऊ इशासत न हो यह हो कुमत हमरे कवि जी ठेठ भाषा में कहलल मामा और जानकार लोग कह के चले गए दांत कटा कट बाजे अलो रोजी भाग है। अब दादा परेशान हुआ बुलावत हुआ लड़का कोनो सुन ही मान के नहीं मामा। लक्ष्मी रूपी चिरई वही ऊपरा से कल की दादा तू हमके मार न पैबा तोहरे में संगठन कवि जी का अंतिम लाइन में संकेत हो चिरैया कहलस की हमें मार न पीबा मामा ता? समझौता बा अरे चाहे केहू के तनाव भी पातिया तारी बसिया कुमत जाऊने घरावा हो जाऊनी नगारी बसिया सही हो सुरहो प्रकार को व्यवस्था घर में रहे छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, घर में सब कुछ रहते हुए सुख नहीं ले सकता इंसान कि माना ना परानी कौनो केहू का कहना वान और खाया नहीं पावा घरा पाला नहीं भोजाना
परिवार चलाना है, देश चलाना है, समाज चलाना है, एक बना करके जैसे पंखुड़ियों में फूल गुथा रहता है, वह प्यार वह दुलार परिवार में भी चाहिए आज के युग में। कवि जी का सामाजिक चित्रण था, छाबा गुरु घराने के परिचय है। सदगुरु स्वामी गुरु बिहारी सारनाथ गुणकार।